हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। गाइज, हम आपका स्वागत करते हैं परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अब तक हमने क्या बताया है उसको एक बार रिवाइव कर लेते हैं। अब तक हम बता चुके हैं नंबर वन एल्हावेट, नंबर टू वॉवेल्स, नंबर थ्री कॉन्सोनेंट्स, नंबर फोर वर्ड, नंबर फाइव सेमी वॉवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, एंड आफ्टर दैट सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट सिलेबल। सिलेबल में हम इसकी डेफिनेशन को बता चुके हैं और सिलेबल के जो काइंड्स हैं, काइंड्स में हम नंबर वन मोनोसिलेबल है। मोनोसिलेबल के बारे में हम आपको बता दें तो आज हम शुरू करते हैं डाई सिलेबल से। सिलेबल के काइंड्स तो नंबर दूसरा है डाई सिलेबल। डाई सिलेबल मीन्स होता है दो शब्द खंड, इसकी डेफिनेशन है द वर्ड दैट आर स्पोकन इन टू टाइम्स, आर कॉल्ड द वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन टू टाइम्स आर कॉल्ड डाई सिलेबल। हिंदी में लिख सकते हैं वे शब्द जो दो बार में बोले जाते हैं वे शब्द खंड कहलाते हैं। कहलाते हैं इसके उदाहरण हैं ईजी, फार्मर मीन्स किसान होता है। दूसरा उदाहरण है पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर कहलाता है। ये डाइस लेवल की डेफिनेशंस और डाइस लेवल के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद में अब आगे की कड़ी में आता है ट्राई सिलेबल, तीसरा है ट्राई सिलेबल, इसको कहते हैं तीन शब्द खंड।
डेफिनेशन है द वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन थ्री टाइम्स आर कॉल्ड प्राइस लेवल वे शब्द हिंदी में डेफिनेशन है वे शब्द जो तीन बार में बोले जाते हैं जाते हैं तीन शब्द खंड कहलाते हैं इजी उदाहरण है नंबर वन के एन ओ डब्लू एल ई डी जी ई नॉलेज एंड दूसरा उदाहरण है पहला उदाहरण नॉलेज एंड दूसरा उदाहरण यहाँ ले सकते हैं इसे अभी बाद में चर्चा करेंगे दूसरे उदाहरण की इसके बाद में चौथा आता है पॉलिसिलेबल पॉलिश लेवल मीन्स होता है बहु शब्द खंड बहु शब्द खंड डेफिनेशन है इसकी द वर्ड्स दैट आर spoken in four or more than four times are called polysyllable वे हिंदी में डेफिनेशन है वे शब्द जो चार या चार से ज़्यादा बार में बोले जाते हैं जाते हैं बहु शब्द खंड कहलाते हैं इनके एग्जांपल्स मैं ऊपर लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर वन कन वर से शन दूसरा एग्जाम्पल है कॉम प्री
हैं शन। तीसरा एग्जांपल है कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, तो चिल्ड्रन हम आज सिलेबस के बारे में कंप्लीटली पूरी तरह से जान चुके हैं। अब सिलेबस के टॉपिक पर आपको होमवर्क देने की बारी आती है, तो होमवर्क इस तरीके से होगा। क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड्स सॉरी इसका क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये जो वर्ड दिए गए हैं, जो दिए हुए वर्ड में से आपको मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल, ट्राइसिलेबल और पॉलीसिलेबल से संबंधित वर्ड छांटने हैं। सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम फॉलोइंग, सेलेक्ट द मोनोसिलेबल वर्ड सॉरी मोनो सिलेबल डाइसिलेबल ट्राइस लेवल एंड पॉलिश लेवल पॉली सिलेबल वर्ड्स फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर वन रेन, आवर, किलोमीटर, हेडमास्टर, टेबल, अलमीरा, बेंच, कूलर, शर्ट, प्रिंसिपल, अफेक्शन, नेटली। तो चिल्ड्रन ये सिलेबल पर आधारित क्वेश्चंस है, और सिलेबल पर आधारित क्वेश्चंस में से ये रेन, आर, किलोमीटर ये वर्ड दिए हुए हैं कुछ। इन वर्ड्स में से आपको मोनो सिलेबल कौन कौन से हैं, डाई सिलेबल कौन कौन से हैं, ट्राई सिलेबल कौन कौन से हैं एंड पॉलिश सिलेबल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ये आपको छटना है, होमवर्क करना है। मैं आशा करता हूँ आप को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे हम जो स्टार्ट करते हैं वो अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस।
सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, और सेंटेंस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, डेफिनेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब सेंटेंस के आते हैं, सेंटेंस की दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स नंबर वन पार्ट्स एंड नंबर टू काइंड्स। यस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश? देयर आर पार्ट्स मीन्स भाग हो गए और काइंड्स मीन्स प्रकार हो गए। यस, हम पार्ट्स के बारे में अब आपको बता रहे हैं। पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के, एक वाक्य के दो भाग होते हैं।